50 पॉइंट ऊपर निफ्टी क्लोज कर रहा है। मैं ज़रा जल्दी से आपको ये बता देता हूँ कि कौन कौन से शेयर आज ऐसे हैं जो कि आपको बिल्कुल लास्ट मिनट में खैर चले, उसमें तो HDFC बैंक का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। इसके अलावा एक्सेस, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ये भी आज के मार्केट के हीरो हैं। ये भी ऐसा नहीं कि इन्होंने अपना योगदान नहीं दिया, इनका योगदान है बट पॉइंट और परसेंटेज में थोड़ा सा कम है। आज कल्प्रिट कौन साबित हुआ? अगर आप अपने से बिलीव करेंगे, अगर मैं इन्फोसिस, TCS और SCLTech, भले 3-4 IT कंपनीज को हटा दूँ ना, तो निफ्टी 50 से 65 पॉइंट हो जाएगा और ऊपर। ठीक, तो आज की आपकी क्लोजिंग आपको मिल रही है 1200 पॉइंट एडवांसेस के साथ हैं। आज सुबह आपको ध्यान होगा 700 वर्सेस 700 शेयर खुले थे, लेकिन अब क्लोजिंग में 1200 शेयर हैं, यानी कि 200 शेयर की लीडरशिप है डिक्लाइन से ज़्यादा की। तो ये भी एक इंडिकेशन होता है कि मार्केट थोड़ा स्ट्रांग हाथ में जाने की या वेटेज वाले हाथ में जाने की एक अटेम्प्ट ले रहा है, नहीं तो डाउन द लाइन मार्केट के अंदर तेजी नहीं आती है, बड़ा ही शेयर ही सिर्फ लेके खत्म कर देते। लेकिन ठीक है, फिर भी आज की क्लोजिंग 19400 के ऊपर, वेरी गुड पॉइंट, और बैंक निफ्टी के 43800 के ऊपर क्लोजिंग मिल रही है। कल भी हमने 43800 ऊपर देखा था लेकिन क्लोज नहीं किया था, आज फाइनली क्लोज कर रहे हैं। और मैंने सुबह भी आपके सामने बात रखी थी कि बाजार में इतना दम है कि 43800 के ऊपर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिल जाए, ये 44000 एक दिन में दिखा देगा, कोई बड़ी बात नहीं है कि मोहरे ट्रेडिंग में आप 44000 स्पॉट निफ्टी भी ट्रेड करते हुए दिखे। खैर, बाजार बंद हुआ आज धनतेरस वाले दिन, अच्छे से मार्केट ने क्लोजिंग की, करीब 50 पॉइंट ऊपर और 200 पॉइंट बैंक निफ्टी का ऊपर कर